हेलो एंड वेलकम टू न्यूज क्लिक। ये है हमारा नया नवेला ताजा तरीन शो जिसका नाम है एनसी हैंगआउट। एंड टुडे वी आर हैंगिंग आउट विद द डायरेक्टर ऑफ स्कूल ऑफ लाइज एंड द कास्ट ऑफ स्कूल ऑफ लाइज। स्कूल ऑफ लाइज हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है, एक वेब सीरीज है 8 एपिसोड की। सीरीज बात करती है एक बोर्डिंग स्कूल के बारे में, वहां पर एक क्राइम हुआ है और किस तरीके से किस किस का इन्वॉल्वमेंट उसमें है, इस सबको एक्सप्लोर करती है। हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है। इसके डायरेक्टर हैं अविनाश अरुण, जिन्होंने पाताल लोक डायरेक्ट किया था इससे पहले। इसके ये सिनेमेटोग्राफर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, और उसके अलावा हमारे साथ हैं, इन्होंने विक्रम और टीके प्ले किया है सीरीज में। वरिन रूपानी है हमारे साथ और आर्यन सिंह अहलावत हैं। बहुत स्वागत है आप लोगों का, अविनाश, आर्यन एंड वरिन। कैसे हैं आप लोग? थैंक यू सर। कैसा चल रहा है? हफ्ते से ज्यादा हो गया रिलीज हुए सीरीज को, और कैसे रिव्यूज मिल रहे हैं, कैसा माहौल है? रिव्यूज बहुत अच्छे मिल रहे हैं, मतलब सारे लोग ज्यादातर यही पूछ रहे कि सीजन 2 कब आएगा, कब कैसे आएगा, क्या हुआ आगे, एंडिंग ऐसे छोड़ दी, मतलब ऐसे गर्म करके छोड़ दिया वैसे। सो काफी अच्छे आए रिव्यूज, मतलब सबको ऐसा बोल रहे कि मतलब इस टाइप की सीरीज इंडिया में काफी कम देखी गई है, सो दे आर रियली हैप्पी विद दिस। एंड बाकी या बहुत अच्छे रिव्यूज हैं, मेरी फैमिली एंड एवरीथिंग सब के यहाँ से। अविनाश जी, कैसे हुआ ये पूरा बीबीसी के साथ मिलकर? किसने अप्रोच किया किसको? थोड़ा सा इसके प्रोसेस में अगर आप बताएंगे तो। अब पाताल लोक के बाद बीबीसी इंडिया के जो प्रोड्यूसर है समीर, उन्होंने मुझे अप्रोच किया था टू मेक समथिंग। और मैं बोर्डिंग लाइफ के ऊपर मैं कुछ बनाना चाहता था, मतलब पहले मेरे दिमाग में एक एक हॉरर फिल्म का कॉन्सेप्ट था एक्चुअली। अ किड हु इज डीलिंग विद द सेपरेशन ऑफ हिज फादर लाइक पेरेंट्स, और वो एक ऐसी जगह जाता है एंड यू नो ही गेट्स बुलीड ओवर देयर, एंड एक चाइल्डहुड डिप्रेशन का यू नो शिकार होता है वो, यू नो काफी मतलब अपना जो भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता है अपने आप को खुद अच्छी तरीके से, एंड वहाँ पे कुछ एक सुपरनेचुरल चीजें घटित होती है, और बेसिकली उसका एक दोस्त बन जाता है कोई, यू नो जो जो बच्चा एक्चुअल में है नहीं, इज इज स्पिरिट। एंड तो उस तरह की कुछ कहानी थी जो मैं करना चाहता था पहले, लेकिन जब मैंने बोर्डिंग स्कूल्स के बारे में जब रिसर्च करना शुरू किया और कुछ इंसिडेंट्स मेरे सामने आए, जो कुछ वाकये सामने आए, और वो देखने के बाद, वो पढ़ने के बाद मतलब काफ़ी दिल दहल सा गया एक दो चीज़ें पढ़ के। और फिर ईशानी और मैंने फिर डिस्कस किया कि अगर इस तरह से अगर कुछ अगर किया जाए, यू नो कि या तो काफ़ी एक एक ये तो था कि ये बहुत ही डेलिकेट सा टॉपिक है। एक एक तो बच्चे बच्चे इन्वॉल्व है, यू नो स्कूल है, स्कूल जैसी जगह जो जो यू नो कि अक्सर स्कूलों में कुछ चीजें होती है या फिर बोर्डिंग स्कूलों में, नॉर्मल स्कूलों में भी होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोर्डिंग में होती है, जिसके बारे में बात नहीं की जाती है और टाल दिया जाता है उसको, क्योंकि बच्चों की बातें हैं, ज्यादा इसको सेंसेशनलाइज मत करो, ये भी सारी चीजें होती है। और वो सबसे बड़ा अहम मुद्दा था और चैलेंज था कि सेंसेशनलाइज नहीं करना है किसी चीज को, यू नो एक एक अगर यू नो एक 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 कहानी के तौर पे, और एक एक ऐसा अगर मतलब क्या 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 किस तरह के किरदार, किस तरह की सिचुएशंस, किस तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज, कितनी ह्यूमन तरीके से और कितनी मतलब यू नो एक 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 एम्पैथेटिक गेज से देखने की कोशिश करनी चाहिए थी हमने, और अभी वो कितनी हम उसमें सफल हुए, मुझे लगता है कि ये ऑडियंस विल टेल अस। वरिन और आर्यन, कैसा आपके लिए कैसा था इसमें काम करना? बिकॉज यू आर ऑल्सो इन दैट सेम एज ग्रुप जिसको हम कहते हैं, तो आपको भी ये सारी चीजें आपने झेली होंगी, झेल रहे होंगे, ये सारे जो सवाल हैं, या चाहे वो चाइल्डहुड ट्रॉमा की बात हो या फैमिली से किस तरह का रिश्ता है उसकी बात हो, तो हाउ वाज इट बीइंग इनटू दैट कैरेक्टर्स, और जो विक्रम और टीके ये कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में? More than the trauma and the struggles of it, मेरे को ऐसा लगा कि the approach we had, how Avinash and Nishani, they talked to us, and just I remember one thing sir said, it's just we approached it with a gaze of empathy. We just wanted to create very grounded human characters. They are not perfect, they are imperfect, and I think that approach and being that human, like nothing is sensationalized, nothing is glamorized. And people are just people, and they are depicted that way, and we are portraying the characters that way.
That seemed very interesting and at the same time very comforting and easy to do because you are just yourself and you're not trying to be anybody else. So that was very interesting and we just had that in mind. So that is what made it very nice to be a part of. अर्जुन सेम सवाल आपसे। या सर बेसिक थिंग यही है, सर ने ये नहीं हमारे को कैटेगराइज करवाया कि आइदर दे आर हीरोज और विलेंस और कुछ भी, दे ऑल आर ह्यूमंस, दे कैन बी ग्रे कैरेक्टर्स, वो हर कोई सही गलत करता है, डिसीजंस होते हैं बेसिकली। सो उन्होंने यही बताया था कि इसे एक ह्यूमन अप्रोच की तरह अप्रोच करना है, इनका भी एक लाइफ रहा होगा, उसका कुछ रहा होगा पास्ट, उसके वजह से एक्सपीरियंसेस एंड दे सिचुएशन दे जिसकी वजह से हो रही है अनफोल्ड, सो उसके वजह से स्टोरी बनती है। एंड दीज कैरेक्टर्स पोर्ट्रेट देमसेल्फ, सर ने, ईशानी मैम ने बहुत ही, मतलब हम सबको गाइडेंस दी इस मामले में कि हाउ यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड डू। सो बहुत ही मैजिकल एक्सपीरियंस था हम सबके लिए, एंड वी एंजॉयड बहुत अच्छे एंड तरीके। आई थिंक वही अप्रोच की वजह से वी डिडंट लुक एट देम एज कैरेक्टर्स लाइक एक्टर्स प्लेइंग दीज कैरेक्टर्स विक्रम एंड टीके. वी जस्ट मेड इट आवर ओन एंड वी जस्ट एम्बॉडीड इट कम्प्लीटली एंड इट ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट सेम अप्रोच बट अविनाश सर टोल्ड द बोथ ऑफ अस एंड एवरीबॉडी इन द शो. अविनाश जी, आपने पहले भी बच्चों के साथ काम ऑब्वियसली किल्ला में किया है और इसमें भी बच्चों के साथ काम करना ही है आपको, आपने किया है, तो पाताल लोक भी एक क्राइम थ्रिलर ही था और ये भी एक क्राइम थ्रिलर ही है। अगर हम बात करें कि किस तरह से डिफरेंट हो जाता है अगर हम चाइल्ड आर्टिस्ट को इन्वॉल्व करते हैं और बच्चों के साथ काम करना कैसे अलग रहता है। अलग तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है, मतलब मुझे तो उस एज ग्रुप के साथ हमेशा काम करने में मजा आता है, जो मतलब 10-12 से लेके 15-16, बहुत ही एक्सप्रेशनेबल, एक इम्प्रेशनेबल एज होता है एक्चुअली। बहुत सारी चीजें समझ आ रही होती है, अपनी खुद की थ्योरी फॉर्म हो रही होती है, मतलब सामने एक एक रिबेलियस नेचर भी आपने आपने पनप पनप रहा है कहीं जाके, सो इट्स इट्स अ वेरी एंड 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 किड्स आर वेरी फास्ट, एवरी जनरेशन इज लाइक वेरी, दे कम विद अपडेटेड सॉर्ट ऑफ अ चिप, तो ऐसा मुझे लगता है। और बहुत ही ज्यादा मतलब मुझे लगता है कि किसी से भी आप कुछ भी करवा सकते हैं, जस्ट अगर उसका ईक्यू और आईक्यू बैलेंस है ह्यूमन का। दूसरी चीज मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन किस तरह से, एक क्या सही कम्युनिकेशन होना चाहिए किसी के साथ भी। मुझे लगता है कि मैं क्या चाहता हूँ इससे मुझे इम्पोर्टेंट मुझे ये हो जाता है कि व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ इट, लाइक हैव यू ऑब्जर्व, व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस अबाउट इट, जो भी कोई भी इशू हो, कोई भी मसला हो, कोई भी इमोशन हो, आपने, हर किसी इंसान ने हर एक तरह का इमोशन फीलिंग जो है अपने अंदर महसूस किया होता है। और बच्चे मुझे लगता है कि ये इतने, क्योंकि बड़े जब होते हैं तो मतलब एडल्ट्स को एक एक लेयर लग जाता है, एक एक, एक मचोरिटी का, फिलोसॉफी का, उनको उनको वोकैबलरी मिल जाती है सारी चीजों की। पहले पहले वो वोकैबलरी नहीं होती, पहले हम लोग आर्टिकुलेट नहीं कर सकते हैं चीजों को अच्छे से, बट वी फील देम एज इंटेंसली एज वी कैन, क्योंकि क्योंकि सारा सारा ढांचा सब कुछ नया होता है, सारे ऑर्गन से लेके दिमाग से लेके सब कुछ इतना फ्रेश होता है। मुझे लगता है तो इंटेंसिटी ऑफ एन एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा होता है, तो चाहे वो आर्टिकुलेट ना कर पाए, इसलिए मुझे लगता है कि वो बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट करने से अच्छा है कि अगर हम एक 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 उनको एक एक एक, एक बराबरी से और एक 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 मच्योरिटी के साथ अगर हैंडल करें, उनमें वो विश्वास दिलाए कि बाबा उनको एक्सप्रेस करने की आजादी है, हर हर कोई चीज सही ढंग से वो बिना डरे कह सकते हैं, बोल सकते हैं, इमोट कर सकते हैं, और वैसा एक 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 एम्बियंस, वैसा एक वातावरण निर्माण करना करना बहुत इम्पोर्टेंट है सेट पे या फिर ऑफ द सेट, व्हाट एवर, लाइक इवन इन नॉर्मल लाइफ आई फील। और यही अप्रोच है बच्चों के साथ काम करने का मुझे लगता है। एंड द बेस्ट थिंग इज लाइक दैट दे डोंट हैव ईगोज, दे हैव नॉट फॉर्म्ड दोस फिलोसफीज येट, एंड दैट्स व्हाई लाइक दे आर वेरी ओपन टू लिसन टू यू, एंड देन इफ यू आर ओपनली, इफ यू आर एक्सेप्टिंग देम, हु दे आर, आई गेस वो बहुत जल्दी से अपना बना लेते हैं आपको। तो क्या लग रहा है इसका सेकंड सीजन आना है कंफर्म हो कर रहे हैं आप या फिर अभी पता नहीं मेरे हाथ में है नहीं, इट्स हमारे किसी के हाथ में नहीं है, इट्स लाइक इट्स द मार्केट, इट्स द प्लेटफॉर्म, इट्स वेदर, बिकॉज बिकॉज इस तरह का शो करने में ही, मतलब मुझे बहुत सारे मेरे फिल्मी मतलब प्रोफेशनल मेरे दोस्तों के कुछ मैसेजेस आए, उन्होंने बोला कि इस तरह का शो ग्रीनलिट कैसे हो गया, इस तरह का शो बना कैसे, कि अक्सर मतलब, और इतना स्लो बर्न किस तरह से, जहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक भी नहीं चल रहा है,
कि इस तरह की आज आज मतलब लोग कोई भी कहानी है आप उसको सेंसेशनलाइज करो, उसके ऊपर बैकग्राउंड म्यूजिक डालो, और तब लोग, और बहुत सारे सवाल भी उठे, बहुत सारी चीजें हुई जब इसके प्रोसेस में, लेकिन हाँ मतलब इसी तरह से मतलब कहनी थी कहानी और डटे रहे हम, और सपोर्ट भी किया प्लेटफॉर्म ने हमको, अच्छा, और पाताल लोक तो का तो बता दीजिए, पाताल लोक का आ रहा है सीजन 2 की नहीं आ रहा? आ रहा है सीजन 2 आ रहा है, अगले साल आएगा। अगले साल? आर्यन और वरुण, मेरा आपसे सवाल है कि आप लोग शुरू कर रहे हैं अभी इंडस्ट्री में, आपने मुझे एक्चुअली, मैं जानता नहीं हूँ कि इससे पहले आपने क्या काम किया, प्लीज वो भी बताइए कि कैसे आपने शुरू किया अपना एक्टिंग करियर, और अभी आप लोग शुरू कर रहे हैं तो व्हाट काइंड ऑफ चॉइसेस डू यू थिंक, क्या आपने सोचा है कि इस तरह का काम हमको करना है, या ये चीज अगर मेरे पास आएगी तो मैं नहीं करूंगा? कैसे जब शुरू होता है कोई एक्टिंग करियर तो कैसी चॉइसेस आपकी हैं? आर्यन प्लीज। हाँ सर, या मिलिए तो सबसे पहला प्रोजेक्ट है सर, लाइक फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ये अविनाश सर ने और फैजल भैया इन सब ने प्रोवाइड की, सो दिस इज अ बिग थिंग। तो इससे पहले सर, या आइडन थिएटर बचपन से करते आ रहा था, नॉटी किड था बहुत ज़्यादा मैं, तो मेरे को कहीं भी डाल देते थे कि स्टेज पे जाके तुम कर लो जो भी करना है। सो हाँ, उसके बाद से सर फिर फाइनली यहाँ हमने ट्राई किया, एंड साइड बाय साइड, एंड माय फादर एंड मदर आर एक्चुअली, माय फादर इज अ साइंटिस्ट एंड मदर इज अ प्रोफेसर, तो और भाई भी टॉपर है, सो काफ़ी ज़्यादा मतलब पढ़ाई वाला बैकग्राउंड है, तो वहाँ से बिकॉज मतलब साइड बाय साइड ये करना इज अ डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि इन आ नॉर्दर्न साइड पीपल डोंट एक्सेप्ट इट बेसिकली ना, लाइक दिस एंटरटेनमेंट इज ए इंडस्ट्री, तो साइड बाय साइड हमारे को खुद पे बहुत भरोसा रखना पड़ता है बहुत, या एंड स्पेशली जब दूसरे कोई हमारे पे भरोसा करे, जैसे कि अविनाश सर ने किया, फैजल भैया ने किया, ईशानी मैम ने किया, तो इनका भरोसा तो पूरा करना ही हमारे लिए सबसे बड़ा हिस्सा, एक्टर सबसे बड़ा हमारा वो है, क्या तो घर बोलते हैं वालों ने वर्ड, बोला नहीं कि स्क्रीन पे सिगरेट कैसे पी रहे हो आप? अरे पूछा मेरे बाबा रे पापा ने बोले क्या कश ले रहा है, मैंने बोला करना पड़ता है पापा, बियर भी कर लिया, छोटा भाई बोलता है कि सब कुछ ही कर लिया भाई आपने, बियर भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी हो गया, सब भी हो गया, लड़की भी एंड में, मैंने ठीक है सो एवरीवन वाज हैप्पी, सबने एंजॉय किया, एंड नाउ इज अ ग्रीन लाइट, एंड आगे ऑब्वियसली इससे ऐसे कैरेक्टर्स मतलब ग्रे कैरेक्टर्स एंड एवरी ह्यूमन कैरेक्टर्स जितने पॉसिबली हम प्रोवाइड कर सके, बेस्ट से बेस्ट वही हम चाहेंगे। वरुण, I this this isn't my first project. I started very young. I started when I was 7, and I worked my way through serials, ads. I did short movies, and I did not a lot, but some of OTT shows before. I did Breathe, Into the Shadows, the second season on Amazon Prime. I did some stuff on Netflix. I did a movie, Thar. I played a small part in that. So small parts, and that led me through here. And going forward, the one thing I really like about Avinash sir is how he approached all of us, like regardless of our age, he just approached us like humans. And it was the first time on set or in any filming experience I felt that my voice was heard. He gave us an unparalleled sense of freedom. So to be known to the fact that your voice is heard, you are accepted, and you can actually give suggestions, your voice is heard. That was very beautiful. And going forward, I just want to explore new characters, human characters, and I just want to work with nice people, the people who I want to surround myself with. Because through this journey, the relationships and the bonds that I formed, Aryan, Avinash sir, Rishani, everybody on set, they're just so beautiful and how I want them. I can actually say that they are my people. So going forward, I just want to work with interesting people, new people, fun stories, different, and just explore. There's nothing, I'm not that cynical about it. अविनाश, कैसी थी कास्टिंग का, आप कितना इन्वॉल्व थे कास्टिंग में, और जो लोगों को आपने लिया है, गीतिका ने बहुत अच्छा काम किया है, निम्रत हैं तो, और ये जो लोग हैं जितने भी चाइल्ड एक्टर्स हैं उनकी कास्टिंग में आप कितना इन्वॉल्व थे? कास्टिंग बहुत ही एसेंशियल और क्रूशियल पार्ट होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, और इसका डेफिनेटली एक ट्रिकी कास्टिंग था, क्योंकि हर हर एज ग्रुप के बच्चे चाहिए थे हमें, मतलब 10 10 साल से ऊपर वाले, और एडल्ट्स में भी मतलब काफी
So गीतिका वॉज द फर्स्ट एक्टर आई हैड कास्टेड इन माई माइंड बिकॉज आई हैड वर्क विथ हर बिफोर। उसके बाद निमृत मैम का नाम हमको सबको पता ही था और उनके साथ काम करना था हमें, और मैंने कभी उनके साथ काम नहीं किया था। और मैं जब फिल्म इंस्टीट्यूट में FTI में पढ़ता था तब से मतलब मैं जानता था उनके बारे में, और यूनानिमसली दैट नेम वॉज लाइक यू नो टेकन की या निमृत मैम के पास जाएंगे। फिर उदय चंद्रा जो जो निमृत के पिताजी फादर का रोल जिन्होंने प्ले किया है, जो जिनका कोई भी मतलब डायलॉग नहीं है फिल्म में, और यू नो तो वो हमारे FTI सीनियर है, एक्टिंग पास आउट है, एंड लाइक तब तभी से मैं उनको जानता था। एंड वो रोल जैसे ही था मुझे पता था कि लाइक आई 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 वांटेड हिम फॉर द रोल। एंड बच्चों की कास्टिंग ऑब्वियसली सबसे मुश्किल कास्टिंग थी मेरे ख्याल से, ये तीन चार जो विक्रम, PK, चंचल और शक्ति, ये चंचल चंचल और शक्ति, ये चार लोगों के। और सबसे मुश्किल मतलब मुझे लगता है कि जैसे ही मतलब मैंने मैंने वरिन का ऑडिशन देखा था, वरिन का ऑडिशन आया था TK के पार्ट के लिए, एंड आई 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 सॉ दैट ऑडिशन एंड आई वाज लाइक या मतलब मुझे पता था कि ये विक्रम है और विक्रम प्ले करेगा ये मेरे दिमाग में। और आर्यन का ऑडिशन आया था एंड आई वाज लाइक आर्यन के ऑडिशन आए और फिर काफी ऑडिशंस देखे, और बट वो मुझे स्टक कर गया था मेरे दिमाग में कि यार ये बहुत ही ज्यादा नेचुरल है कैमरा के सामने, क्योंकि बाकी के बहुत सारे ऑडिशंस होते हैं जो मतलब मैं क्या देखता हूँ, मुझे लगता है कि आप कितने नेचुरली कैमरा के सामने व्हेन यू आर नॉट सेइंग योर लाइंस कैसे क्या क्या होल्ड कर रहे हो आप, यू नो वो उसमें वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रादर देन लाइंस। क्योंकि लाइंस तो मेरे ख्याल से वो एक्सपीरियंस की बात है, आप करते रहो करते रहो करते रहो, डायलॉग आप बोल लोगे, चीजें हो जाएगी, लेकिन जो जो साइलेंसेस है ना वो आपके खुद के होते हैं। मतलब मुझे एक अच्छे एक्टर की पहचान मुझे वही लगती है कि जो जिसके पास कुछ ना हो सीन में करने के लिए, और वो किस तरह से अपने आप को वहां पे रख रहा है, यू नो क्या हो रहा है। तो ये चार सबसे लास्ट कास्ट हुआ चंचल, चंचल मिल ही नहीं रहा था बहुत बहुत दिन, मतलब इज शूट डैम के गुड मतलब यार, बहुत ही या अच्छा तो काम। चंचल तो चंचल चंचल ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि चंचल के लिए बहुत सारे लोग आ रहे थे, और मतलब वो भी था कि मतलब यू नो कि शहरी बच्चा भी नहीं था वो, मतलब जो कि क्योंकि बम्बई में होते तो मतलब हर जगह से हमने ऑडिशंस मंगवाए। मतलब सनी डागर जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं डायरेक्टर है और उनके जो असिस्टेंट्स है यू नो राज, और बहुत ही मेहनत से उन्होंने ढूंढा सबको, और हम भी पीछे लगे रहे कि नहीं 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 ये नहीं ये नहीं ये नहीं, लाओ लाओ और लाओ और लाओ। तो हाँ तो काफी या, 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 होता था कभी, क्योंकि अगर अगर वो था कि अगर देखो क्योंकि ये इंटेंस शो है वैसे, यू नो इट्स लाइक एक और वो इंटेंसिटी के साथ सामने रखने वाले जब तक एक्टर्स और आर्टिस्ट नहीं मिलते हैं तब तक वो बात कैसे आगे सही जाएगी। तो काफी नर्वस थे हम लोग एक्टिंग प्रोसेस कास्टिंग प्रोसेस के दौरान, बट आई गेस एवरीथिंग फेल थ्रू। चलिए, मेरे ख्याल से हम यहाँ पर डन हो चुके हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी कहना है शो के बारे में, जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं, नहीं तो मेरे तो सवाल देखो खत्म हो गए। नहीं मुझे मुझे लगता है कि धन्यवाद। बस अच्छा लगे बुरा लगे, मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और रिएक्शन जानने को मिले कि अच्छा लगा नहीं लगा, क्या चीज अच्छी लगी क्या चीज नहीं लगी, यू नो क्योंकि क्योंकि कोई भी काम जब सामने आता है जो मतलब पब्लिक डोमेन में आप जब आते हो, और मुझे लगता है कि या वो डायलॉग और वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यू नो हमें भी किस तरह से आगे काम करना है, क्या चीजें कर के किस तरह से कहनी है, यू नो वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है मेकर के लिए और नहीं, सनी के मुझे सबसे लिए। अच्छा इसमें पर्सनली ये लगा कि इसमें सिर्फ अगर हम कभी भी स्कूल से रिलेटेड कुछ देखते हैं तो या तीन चार चीजें होती हैं, या तो सिर्फ नशे करते रहेंगे लड़के, या सिर्फ जो है लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा, या उनकी अगर प्रॉब्लम्स हैं भी तो फिर वो वाली हैं कि यार रिलेशनशिप कैसे चलना है कैसे नहीं चलना है। ये जो थोड़ा सा ग्रिम सा पूरा लुक है ना शो का, जो वाइब है उसकी उदासी, थोड़ा सा जो उदासी है उसमें, मुझे वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत मुझे अट्रैक्ट किया वो, मुझे बहुत सही लगा वो, ब्यूटीफुल कितना हुआ सब कुछ। बहुत ही ब्यूटीफुल है वो, बहुत अच्छा ट्रीट, बहुत अच्छा हुआ है, सही में। थैंक यू सो बहुत मच रेयर इस सत्यम, टाइप का थैंक सिनेमा। यू। आई जस्ट वांट टू से, क्योंकि मैं जितना बोलूं उतना कम है, आई जस्ट वांट टू से कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सत्यम फॉर हैविंग अस, एंड थैंक यू टू द एंटायर टीम, थैंक यू टू अविनाश सर एंड एवरीबॉडी, शानी फॉर ट्रस्टिंग अस मोर देन वी ट्रस्टेड आवरसेल्फ इन दिस होल जस्ट ब्यूटीफुल एंड ऑनेस्ट जर्नी।
I just don't know what to say. I'm very grateful, and this has been a very good experience. और आगे जो होगा होगा. चलिए, थैंक यू थैंक सो मच अविनाश. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू वरुण. थैंक यू. न्यूज़ क्लिक से थैंक बात यू. करने के लिए थैंक्स अ लॉट थैंक एंड यू. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. चलिए.